वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 30 जून 2018 और 30 जून 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पोषण अभियान टैक्थॉन का आयोजन किसने किया है? तो अभी हाल ही में पोषण अभियान टैक्थॉन का आयोजन किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये पोषण अभियान टैक्थॉन है क्या? तो पहले तो मैं आपको पोषण अभियान के बारे में बताता हूँ, उसके बाद टैक्थॉन के बारे में बताऊंगा। पोषण अभियान की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कब की थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत की थी 8 मार्च 2018 को। ये डेट और ये सन आपको याद रखनी है। पोषण अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2018 को की थी और इसकी टैगलाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी टैगलाइन है, सही पोषण देश रोशन। इसे आप नोट कर लीजिए, पोषण अभियान की टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। अब ये टैक्थॉन क्या है? तो इसी पोषण अभियान के लिए ये एक सेमिनार हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में ये सेमिनार हुआ है टैक्थॉन के नाम से, और इसका उद्घाटन किया हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि टैक्थॉन का आयोजन किसने किया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया है। अब यहाँ पे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पे हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री है प्रेजेंट टाइम पे मेनका गांधी, इनका नाम भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित की गई है रानी रामपाल, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है रानी रामपाल, और ये अभी हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान घोषित की गई है। जो वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2018 अभी जुलाई में लंदन में होगा, उसी के लिए ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान घोषित की गई है रानी रामपाल, और उपकप्तान घोषित की गई है सविता। ये जो मैंने सेकंड ऑप्शन पे लिखी है गोलकीपर सविता, उपकप्तान घोषित की गई है। तो आपको कप्तान और उपकप्तान दोनों याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है द्युति चंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रही है यही है द्युति चंद, और इन्होंने अभी हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अब ये रिकॉर्ड क्या है, 11.29 मिनट में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है, और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका पिछला रिकॉर्ड था 11.30 मिनट, तो उसको इन्होंने तोड़ दिया है और अब नया रिकॉर्ड बनाया है 11.29 मिनट में। अभी जो गुवाहाटी में ये 58वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही थी, वहां पे इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। और ये द्युति चंद कहाँ की हैं? ये हैं उड़ीसा की। तो पहले आप मैप में देखिए, ये है उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल अभी हाल ही में उड़ीसा के गवर्नर बने हैं, तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। आप याद रखिए, गणेशी लाल अभी हाल ही में उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं। और उड़ीसा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर अभी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ था, व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है कि हाल ही में किस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में कौन सा देश नामित हुआ है? तो अभी हाल ही में अमेरिका ने सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में नामित किया है उत्तरी कोरिया को, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे खराब मानव तस्करी देश, इसका मतलब क्या होता है? तो फोर्स्ड लेबर, यानी कि जबरदस्ती करके अगर आप किसी से मजदूरी करा रहे हैं, तो उस क्षेत्र में सबसे खराब देश है उत्तरी कोरिया। और लगातार 16वें वर्ष
अमेरिका ने इसे सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में नामित किया है लगातार 16वें वर्ष, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये उत्तरी कोरिया नामित हुआ है, तो पहले आप मैप में देखिए, ये है उत्तरी कोरिया, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये है उत्तरी कोरिया, और जो नीचे है वो है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया बहुत चर्चा में रहता है, तो उत्तरी कोरिया के बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तरी कोरिया की कैपिटल है पेंगयोंग, उत्तरी कोरिया की करेंसी है कोरियाई वॉन, और उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। इनका नाम तो आप जानते ही हैं, ये तो बहुत चर्चा में रहते हैं। उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। और एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो 38th पैरेलल कहते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया की डिवाइड करने वाली लाइन को। जैसे इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, उसी तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th लाइन। तो ये भी आप याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है, तो अभी हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि 2018 के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम क्या है, तो इस बार के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, इस बार की थीम है क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया क्यों जाता है, तो एक थे प्रोफेसर पी सी महालानोबिस, कौन थे, प्रोफेसर पी सी महालानोबिस, और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में इनके प्लान बहुत सक्सेस रहे थे। जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, तो उसको दूर करने के लिए इनके प्लान बहुत सक्सेस रहे थे, और इसीलिए हर साल इनके जन्मदिन पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, और इन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये सांख्यिकी के बहुत ही फेमस प्रोफेसर थे। अब इस बार के सांख्यिकी दिवस पर एक तो 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इनकी इमेज वाला, और एक 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया है इनकी इमेज वाला, तो ये दो काम और हुए हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया है, तो अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया है। अब ये इंडोनेशिया की सेना के साथ भारत की सेना ने भाग लिया है, तो इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और जकार्ता आसियान का हेडक्वार्टर भी है। जब भी आप जकार्ता का नाम सुने तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जकार्ता है आसियान का हेडक्वार्टर। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियाई रूपी, और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। तो इतना आपको इंडोनेशिया के बारे में भी पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई आधारित स्वाधीन फिनसर्व का अधिग्रहण किस बैंक ने किया है, तो ये किया है आरबीएल बैंक ने। ध्यान रखना ये आरबीआई नहीं है, ये आरबीएल बैंक है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये अधिग्रहण आरबीएल बैंक ने किया है, तो मैं आपको आरबीएल बैंक के बारे में बता देता हूँ। आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में, आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और आरबीएल बैंक के प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ है विश्ववीर आहूजा, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक को किसने मंजूरी दी है, तो हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी हाल ही में गृह मंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक को मंजूरी दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी के साथ तीन और नए पदक डिक्लेयर किए हैं राजनाथ सिंह जी ने। अब ये तीन नए पदक कौन कौन से हैं, इनके नाम आप नोट कर लीजिए। एक है आंतरिक सुरक्षा पदक, दूसरा है असाधारण असुचान पदक, और तीसरा है उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक। ये तीन नए पदक और शुरू किए हैं राजनाथ सिंह जी ने। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला है आंतरिक सुरक्षा पदक, दूसरा है असाधारण असुचान पदक, और तीसरा है उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट सेवा पदक। इसमें से जो आंतरिक सुरक्षा पदक और उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट पदक है ये हर साल 26 जनवरी को दिए जाया करेंगे, और जो असाधारण असुचान पदक है ये 15 अगस्त पर दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल ऐप री यूनिट किसने लॉन्च की है? तो प्रेजेंट टाइम के हमारे जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु, इन्होंने ही अभी हाल ही में ये मोबाइल ऐप री यूनिट लॉन्च की है। अब ये ऐप है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो बच्चे खो जाते हैं, गुमशुदा की तलाश वाले आपने पोस्टर देखे होंगे, उन्हीं के लिए ये ऐप लॉन्च की गई है री यूनिट। जैसे अगर कोई खो जाता है तो उसका आप पूरा डाटा इस ऐप पर अपलोड कर दीजिए और इस ऐप के थ्रू उसको खोजा जाएगा। आप उस जैसे कोई भी बच्चा खोया तो आप उसकी इमेज, उसकी एज, उसके शहर का नाम और जितना भी उससे रिलेटेड डाटा हो सकता है, उसकी पहचान, सब कुछ आप अपलोड कर दीजिए और साथ ही वो किस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है उसका नाम भी अपलोड कर दीजिए। तो जब ये नेटवर्क तैयार हो जाएगा तो अगर वो बच्चा कहीं भी मिलेगा तो जिसको मिलेगा वो तुरंत ऐप पर इन्फॉर्म कर देगा। इससे आसानी से ये जो गुमशुदा हो जाते हैं उनको उनके सही जगह तक पहुंचाया जा सकेगा। तो ये है री यूनिट ऐप और इसको अभी लॉन्च किया है सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने किस देश के साथ JWG की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसराइल के साथ JWG की घोषणा की है। अब ये जो टर्म है JWG, ये आज के बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू सब में यही लिखा हुआ था JWG, तो मैं खुद परेशान हो गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो JWG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट वर्किंग ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। आज जितने भी ये न्यूज़पेपर थे, इकोनॉमिक टाइम्स था, बिजनेस स्टैंडर्ड था, द हिंदू था, आज के सब में ये JWG ही लिखा हुआ था। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट करिए, बड़ी मुश्किल से मिली है इसकी फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट वर्किंग ग्रुप। तो अभी हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री ने इसराइल के साथ कृषि के क्षेत्र में JWG की घोषणा की है। अब ये इसराइल के साथ की है तो इसराइल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है इसराइल। इसराइल की कैपिटल है यरूशलम। इसराइल की कैपिटल बहुत चर्चा में रही है तो आप याद रखिए, इसराइल की कैपिटल है यरूशलम। इसराइल की करेंसी है इसराइली न्यू साइकिल और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो भारत के दौरे पर आए थे और उनका दौरा भी बहुत चर्चा में रहा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर नए अनुसंधान संस्थान की नींव रखी है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मगहर में नए अनुसंधान संस्थान की नींव रखी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी मगहर गए हुए थे। कबीर दास जी की 500वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी मगहर गए और वहां पे उन्होंने नए अनुसंधान संस्थान की नींव रखी है। अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो आपने कबीर दास जी का जीवन परिचय जरूर पढ़ा होगा और अगर आपने जीवन परिचय पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति को कबीर दास जी मगहर के पास लहर तारा नामक तालाब में मिले थे। लहर ताला नामक तालाब के पास मिले थे कबीर दास जी। किनको मिले थे? नीरू और नीमा नामक जुलाह दंपति को। तो यहाँ पे मगहर में ही कबीर दास जी की 500वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी गए और वहां पे उन्होंने नए अनुसंधान संस्थान की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रवासियों के लिए जीवन यापन लागत पर हुए सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो अभी हाल ही में एक नया सर्वे हुआ, इसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये सबसे महंगा शहर कैसे है? अप्रवासियों के लिए, जैसे अगर कोई विदेशी आके इंडिया में रहे तो उसके लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो उसके लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे अगर देखा जाए कि पूरे वर्ल्ड में विदेशियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है तो वो है हांगकांग, दूसरे नंबर पर है टोक्यो और तीसरे नंबर पर है ज्यूरिक। तो ये टॉप थ्री आपको याद रखने हैं अप्रवासियों के लिए। टॉप थ्री महंगे शहर कौन कौन से हैं? हांगकांग, टोक्यो और ज्यूरिक। और इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में है मुंबई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में पासपोर्ट सेवा ऐप किसने लॉन्च की? तो सुषमा स्वराज जी ने अभी हाल ही में पासपोर्ट सेवा ऐप लॉन्च की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा था। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम हमारे फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप उन क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ
2+2 वार्ता स्थगित की है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेशआरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेशआरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। और आप इस वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वहां से डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से सारी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।